गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स. बेटा ये आपका सिक्स लेक्चर है चैप्टर नंबर 12 का पेज नंबर 128 पे. हम इंसुलेटर्स पढ़ रहे थे बेटा. जो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स भी सर्किट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनमें ऊपर किसकी कवरिंग होती है, रबर की, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, है ना. जनरली ब्लैक कलर्ड हमको मिलते हैं. तो ये किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है हमको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए, क्योंकि रबर जो है, रबर क्या है आपका, इंसुलेटर है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है. अब जैसे कॉपर वायर है, कॉपर वायर में करंट फ्लो होता है, ठीक है, और कॉपर वायर को अगर हम टच करेंगे तो जो करंट है वो हमारी बॉडी में भी फ्लो हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर है. बट क्योंकि उसके ऊपर कवरिंग होती है रबर की, तो उससे हमारे ऊपर जो शॉक होता है या हमारे अंदर जो करंट होता है वो फ्लो नहीं हो पाता है. ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं आपके, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो जनरली प्लास्टिक के मिलकर बने होते हैं. क्यों? क्योंकि वो आपके इंसुलेटर्स होते हैं, जितने भी आपके सॉकेट्स होते हैं, प्लग्स होते हैं, रेगुलेटर्स, स्विचेस वगैरह, इन सभी पर किसकी कवरिंग होती है? प्लास्टिक या फिर रबर की. क्यों होती है? क्योंकि ये आपके कंडक्टर्स होते हैं. ठीक है, अभी इसी में एक बहुत अच्छा कंडक्टर है आपका एयर. एयर के बारे में देखते हैं. देखिए, अगर आप जैसे जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका वायर अगर आप सर्किट से हटा दो, तो क्या आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा? नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि तब जो सर्किट होगा वो ओपन हो जाएगा. ओपन मीन्स कि अब वहाँ पर कोई ऐसा कंडक्टर प्रेजेंट नहीं है जिसके थ्रू जो करंट है वो इजीली पास हो जाए. अब यहाँ बीच में क्या प्रेजेंट है? एयर. एयर है इन दोनों के बीच में, बट एयर के थ्रू जो करंट है वो फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एयर कंडक्टर होती तो करंट फ्लो होकर इधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाता है या इधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाता, बट करंट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, जो कि ये शो करता है कि जो एयर है वो क्या है, एक टाइप का इंसुलेटर है, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है. ठीक है, और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी क्या है? एक कंडक्टर है. इसीलिए अगर हम कभी भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं, अगर हम उनको टच करते हैं तो हमें करंट लगता है, शॉक लगता है हमको. ठीक है, तो अपने आप को इन एक्सीडेंटल शॉक्स और से बचाने के लिए जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो ग्लव्स पहनते हैं, किसके, प्लास्टिक्स के, और शूज़ पहनते हैं जब भी वो किसी भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को रिपेयर करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह जो होता है वो आपका इंसुलेटर होता है और हमारी बॉडी कंडक्टर होती है. अगर हम डायरेक्टली छुएंगे तो हमारे अंदर भी करंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट अगर हम प्लास्टिक या रबर को पहनकर छूते हैं तो हमारे अंदर जो करंट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है. अच्छा, उनके जो टूल्स जैसे कि स्क्रू ड्राइवर्स या टेस्टर्स या प्लायर्स होते हैं, उनमें भी जो हैंडल्स होते हैं जहाँ से उनको पकड़ा जाता है, उस पर किसकी कवरिंग होती है? प्लास्टिक की, जिसके कि जो करंट है वो आगे फ्लो ना हो पाए. ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है. चैप्टर भी अभी होमवर्क में बेटा, ये जो क्विक रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे. ओके, थैंक यू क्लास.